अज के स्पैशल प्रोग्राम पटदियां खबरां विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। मैं दविंदर तूर ते मेरे नाल कैलरी तो हरप्रीत रंधावा जी ते टोरंटो तो सरदार रणजीत सिंह चुठी ते दूजे पासे परमिंदर सिंह जी जुड़ रहे ने। पहलां तां तुहाडा सारयां दा ही प्रोग्राम दे विच शामिल होण दा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। गल जदों असीं पटदियां खबरां दे प्रोग्राम दी करदे हां तां पहली पटदी खबर तो ही शुरू करनी चाहवांगे, चाहे पंजाब तो आउंदी होवे, चाहे हिंदुस्तान तो आउंदी होवे, चाहे कैनेडा तो आउंदी होवे, पर अज जिहड़ी पहली खबर पटदी आ रही आ पंजाब दे विचों ओह खबर आ रही आ जिथे अकाल तख्त दे साहिब दे जथेदार ने MSG 2 दे प्रोड्यूसर बाबा गुरमित राम रहीम, ना कई पासों टुट तोड़ बुड़ के जोड़ना पैंदा, पर गुरमित राम रहीम नूं जिहड़ी सज़ा लाई हुई सी उस तों दोष मुक्त करार दे दिता। पंज तख्तां दे जथेदारां ने उत्थे पंज सिंह साहिबानां ने मिल के अचानक फैसला लिया कि किते ना किते राम रहीम नूं उहनां दे दोषां तों मुक्त कर देना चाहीदा। उहनां दोषां नूं मुक्त करन दे पिछे की राजा की जिहड़े MSG 2 पिछे डेरे दे चेले, जिहड़े डेरे बाबे दे चेले ने, उहनां ने जिहड़े प्रदर्शन शुरू कीते ने, उहनां दा प्रैशर आ जां इस दे विच कोई डूंघी राजनीति समझ आ रही आ कि जिस दा असर 2017 दीआं इलैक्शन ते पवे। शुरुआत करदे आ रणजीत सिंह तों। रणजीत सिंह जी, की सोचदे हो कि जिहड़ा अज अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने फैसला लिया, तुसीं उस तों संतुष्ट हो जां नहीं? दविंदर जी, सब तो पहली गल तो यह है कि जिहड़ा जथेदार साहब नूं फैसला लिया गया वह फैसला टोटली मैं परसनल तौर पर मैं उन्होंने सहमत नहीं हाँ, और फैसला भी गलत आ। क्यों गलत आ? मैं कहना वा तुहानूं उदाहरण देवांगा सिख इतिहास के विचों। वह फैसला इसलिए गलत आ जी क्योंकि पहली गल तो गुरमीत राम रहीम एक अमृतधारी सिख नहीं हैगा, और अगर श्री अकाल तख्त साहब से कोई पेश हुंदा तो खास तौर पर मन्नया जांदा कि अमृतधारी सिख नूं ही सद्या जा सकता, क्योंकि उहदी परिभाषा सिख की यही है कि जिहड़ा पंज कारण धारनी होवे। पहली गल तो सिख नहीं हैगा। नंबर दो उपर अगर उन्होंने मान इन्होंने माफ भी किया आ, अज तक जिन्हें भी इतिहासिक फैसले हुए हैं, गल करा मैं महाराजा रणजीत सिंह तो जो अकाली फूला सिंह जी जथेदार सन, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह तलब किया, कुछ उन्होंने अवज्ञा की सी। महाराजा रणजीत सिंह आप अकाल तख्त साहब से पेश होए और पेश होकर अपनी भुल बखशाई और 13 कुड़ियां की सज़ा जी अकाली फूला सिंह उन्होंने दी सी। उस तो बाद मैं अगर गल करा उस लैवल की तो उत्थे आउंदा ब्लैक थंडर तो बाद सुरजीत सिंह जी बरनाला, जिन्होंने कि ब्लैक थंडर श्री दरबार साहब से करवाया, उस वक्त के जथेदार उन्होंने उन्होंने सद्या, एक निमाणे सिख के तौर पर पेश हुए और उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब उस इमारत के एक थमले का बनिया गया, और एक गल तख्ती पाई गई कि मैं गुरु पंथ का दुखी हाँ, मैं जो सज़ा लावे, जो सज़ा उन्होंने मिली वह माफ हुई। ये अपनी तरह का एक पहला फैसला जी जिथे ना तो दोषी खुद हाजिर होया, ना दोषी सिखिया, सिर्फ तो सिर्फ एक सियासत जी एक वोटों की सियासत वास्ते यह सारा ड्रामा रचया गया। मेरे ख्याल अगर असं कहने कि 1984 के श्री अकाल तख्त साहब की इमारत ढाई गई आ, अज उस तो भी दुखद होया कि श्री अकाल तख्त साहब के सिद्धांतों को ढा लाई गई आ। अगर सिद्धांतों को ढा लाने वाले जोड़े आ इस तरह लाते रहेंगे तो बहुता दिन दूर नहीं जो सिक्खी की जी इमारत आिखर जाएगी। परमिंदर सिंह जी। दविंदर जी, रणजीत सिंह जी गल ना मैं बिल्कुल सहमत हैगा हाँ, पर कई नुक्ते इन्हां दे विच हैगे आ जिहड़े काफ़ी एक्सट्रीम चल जाते हैं। पोलीटिकल असी पहला भी गलबात की सी कि श्रोमणी कमेटी के उत्ते जिहड़ा पोलीटिकल असर हैगा वह बहुत ज़्यादा वध चुका है। पिछले समय दे विच काफ़ी कुछ देख चुके हैं असी, काफ़ी घटनावां ऑलरेडी इदां दी होईयां जिहदे विच पोलीटिकल इन्फ्लुएंस जिहड़ा सानू देखण सुणन नूं मिलदा पिया। रणजीत जी ने बहुत वधिया एग्जाम्पल्स दे के प्रूव कीता है कि जिहड़ा जिहड़ियां सज़ावां जिहड़ी सज़ा लगाई गई है या माफ़ किया गया वह हुण लैवल जिहड़ा आ थॉट हैगा वह चेंज हो चुका है। हुण इहदे पिछे की रीजनस हैगे आ इह ते शायद बादल साहब ही दस सकदे आ क्योंकि ज़्यादातर कंट्रोल उन्हां दा ही आ उत्थे, ते जे इस नूं पोलीटिकल एक लैवल तो वक्ख हो के कल्ला धार्मिक नज़रिए तो भी देखण की कोशिश की जाए तो वह दोनों पक्षों तो यह फेल हो रहा। हरप्रीत जी। दविंदर जी, मैं कमेंट करने तो पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रणजीत जी एंड परमिंदर सिंह जी तो, जे आप वापस उस लैटर से जाइए जिहड़ा लैटर रहीम राम रहीम जी ने लिखा सी, तुहानूं उहदी थोड़ी जी लाइना याद ने? दर्शकां नूं थोड़ा जिहा पता लग जाए कि इशू तो कि मुद्दे तो यह मामला भखिया सी।
डेफिनेटली जी 2007 दे विच हरप्रीत जी तुहानूं याद होना कि गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोबिंद सिंह जी वांग पोशाक पा के एक मजमा ला के मैं कहना स्टेज के उपर उहदे विच शरबत रूह अफजा घोल के जी उहनूं कहिंदे जामे हिंसा तैयार किया गया वह पिलाया गया उस संदर्भ दे विच उस वक्त तो लैके डेरा दे विच और सिखां दे विच जिहड़ी हैगी है जी वह काफ़ी खिचोतान चली आउंदी हैगी आ पर जिहड़ा अज लैटर लिखिया अकाल तख्त साहब तो जारी होया कि जी आह लैटर सानूं मिलिया तो उह कहा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दी बारे सांग लाउण दी सोच भी नहीं ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਇਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ 2007 ਹਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮਿਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਵੇ ਪਰ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਖਣ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਆਈ ਮੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੂੰਗਾ ਬੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ 17 2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨਗੂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਅਫਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਦੰਡੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਓਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਧਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪਿਆ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪਿਆ ਆ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
समर्पित आ उन्होंने अज ये गल समझ लेनी चाहिए आ कि अज असी सिख साडा जो अकाल तख्त जथेदार ने जथेदार नहीं रह गए जेडे एक महाराजा बुला के जोड़ा सिख महाराजा से जोड़ा विश्वास गुरु ग्रंथ साहब से सजा देन ये वो लोग ने जोड़े अपनी कुर्सी बचाने लिए किसी को भी ऐरे गैरे सद के दविंदर जी उन्होंने भी मुआफ़ी दे सकते हैं। और तुम एक थोड़ी जी गल चेते करा दें कि हरमिंदर सिंह जी बंगलौर तो ने गुरसिख ने मुख्य सकत्र ने उन्होंने बिना गल तो पांचों छेक दिता गया और जी गलते छेकया गया जिस दिन हुक्मनामा जारी किया गया जथेदार होना वालों उस तो 11 दिन बाद कोई कंप्लेट उनके खिलाफ दर्ज की गई सी यह जथेदार साहब ने साढ़े की मैं कह सकता कि अकाल तख्त साहब के हुक्म जारी करने जां दोषियों नूं दोष मुक्त करार करने दे विच तुसीं सहमत नहीं हो? श्री अकाल तख्त साहब तो अगर कोई सिख्या जिस तरह के अगर बिक्रम मजीठिया ने तुहानूं मैं केस याद करवा देना जी बिक्रम मजीठिया उन्होंने अरुण जेतली दी बार नूं इह कहता सी उह ठीक आ चाहे कि उन्हें सद्या सी पर फिर भी बिक्रम सिंह मजीठिया अकाल तख्त साहब के पेश हुए आपां कह दिंदे कि सज़ा लाई गई आ सेवा नूं सज़ा पर ठीक है उन्होंने आए सज़ा पूरी की जिहड़ी भी लाई गई सी अकाल तख्त साहब वल्लों उस तों बाद उह दुबारा सिख पंथ शामिल होए मैं इस गल ते बिल्कुल एग्री करदा जे छोटी मोटी सज़ा ला दित्ती जांदी जुत्तियां साफ कर लैण दी जोड़े साफ कर लैण दी जां थोड़े बहुत पाठ कर लैण दी जां इशनान करन दी तां तुसी सहमत हो जांदे? नहीं जी मैं पहली गल ते है कि मैं उस तुसी कहने बाबा राम रहीम नूं माफ नहीं कीता जा सकदा बिल्कुल नहीं किया जाता जी क्योंकि उन्हें गलती यह करती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी वांगू एक पोशाक पा के सिर ते कलगी ला के गो ने यह भी कहा कि गुरु साहब ने पांच प्यारे साजा मैं सत साज दिते हैगे जी उन्हें सत बंदे खड़े करते सी हरप्रीत जी दविंदर जी बाबा राम जी इत्थे इत्थे जिहड़ा मुख मुद्दा हैगा आ ओ इह आ कि जिहड़ा एक किसी नूं रिप्रजेंटेशन करनी जां डिप्रिक्शन करनी वो किसी भी सिख गुरु की असी यह पहला भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी और इस तो पहला यह सिख पंथ दियां जिन्नियां भी मीटिंग्स हो चुकियां आ उहदे विच यह डिसीजन लिया जा चुका आ कि कोई भी गुरु साहबान की नकल नहीं कर सकता ना ही किसी नूं करन की इजाजत दिती जाऊगी। सो वह जिहड़ा एक नुकता जिहड़ा हैगा आ उहनूं लै के इहदे बाबे दे खिलाफ कंप्लेंट की गई सी दविंदर जी तुहानूं याद होणा कि नानक शाह फकीर जिहड़ी फिल्म आई सी उहनूं इसे करके अकाल तख्त तों बैन किया कि गुरु साहब की कोई इस तरह चलता भी नहीं दिखा सकते जे वह चक्कर आ तो फिर बाबे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गे काम करते अगर बाबे नूं इस तरह माफ़ी मिल जानी फिर तो कोई भी कल उठ के साडे गुरु ग्रंथ साहब नूं जां गुरु साहब बारे कुछ कहेगा तो बादल नाल लिंक होने चाहिए जी तो पेश होने की भी लोड़ नहीं कुछ करन की लोड़ नहीं उहनूं माफ़ी दे दिओ। पर रणजीत सिंह जी ये थोड़ी इंटरप्रिटेशन आ कि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की नकल करन की कोशिश की आ अमृत संचार किया पर जे तुसी किसे नूं कहने हो कि तुसी ये गल का जुर्म किया जां दोष किया तो सारे ला डेमोक्रेसी दे विच उस नूं अपनी सर्वउच्च अदालत जिहड़ी कि अकाल तख्त साहब आ उस दे अगे अपना केस प्रेजेंट करन की कोशिश करदी आ दो वारी पहलां चिट्ठियां लिखियां ने बाबा राम रहीम ने दोनों चिट्ठियां ते अकाल तख्त ने कोई डिसीजन नहीं सी लिया पर इस बारी अपना मैसेज सी डी दे विच रिकॉर्ड करके बाबा राम रहीम अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं पहुँचते हैं अकाल तख्त जा साहब के पंजे तख्तों के जथेदार उत्थे बह के पंजे तख्तों के जथेदार बह के फैसला करते हैं कि जिहड़ा इस सी डी दे विच जिहड़े मैसेज आया उस दे नाल साडे सवालों के सानू जवाब मिल चुके ने असी ये गल नाल सहमत हाँ कि जान बुझ के गुरु गोबिंद सिंह जी की नकल करन की कोशिश नहीं की गई सी ना ही अमृत संचार किया गया सी जदों अकाल तख्त दे दूजे चार तख्त साहब के जथेदार इस गल ना एग्री आ तो रणजीत सिंह जी बकायदा सिख होने के नाते जिहड़ी कम्यूनियन वायलेंस पंजाब दे विच हो रही ने तुसीं उस गल ना क्यों नहीं एग्री करते कि ठंड पै रही आ जे बाबा कहिंदा जे थोनू लगता मैं थोड़े दिल दुखाया अगे वास्ते मैं थोनू बोल के लिख के दे रहा कि नहीं करूंगा पर तुसीं इस गल नाल संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? एक चीज होर मैं कहना चाहुंदा दविंदर जी जो उन्होंने चिट्ठी च लिखा उन्होंने लिखा कि मैं ते कदी सोच भी नहीं सकता गुरु जी की नकल लाने या गुरु जी दे उन्होंने गुरु जी ने बहुत उच्चा दिखाया वा तो आई थिंक तुहानू ही लगता रणजीत सिंह जी इत्थे मामला थोड़ा जा ठल पै रही है जो आपे बंदा मन लिया कि नहीं जो इंटरप्रेशन हुई है गलत है मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता।
हरप्रीत जी अगर तुम ये गल कर रहे हो तो लेटली जो हम घटनावा आ गया पिछले एक डेढ़ साल तो गुरु ग्रंथ साहब दी बीड़ा उस डेरे के प्रेमियों वालों चक के कदे जो गोहा होंगे पशुओं का वो ढेज दबिया गई ने कि साड़िया गई ने कि घर से जाके बरका एक पत्रा पर जे हुण पंजाब विच कोई रह के दोवां च दंगे करवाउणा चाहुंदा वा देखो एक गल तो तुसीं बिल्कुल ना भुल्लो इंडिया साडी जिहड़ी पापूलेशन सिखां दी 1.7% रह गई आ ते जे असीं उत्थे माइनोरिटी आ जे हुण कोई थोड़े दंगे करवाउणा चाहे साडेयां च मुसलमानां च सिखां च हिंदुआं च जां पर कोई डेरे नाल ते जे कोई इदां दी वीडियो बना के दे दे देखो उहदी पुष्टि ते नहीं हुंदी ना दूजे पासे रणजीत सिंह जी हुण अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने डिसीजन लै लिया दूजे पासे आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान करनैल सिंह पीर महमद ने अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं क्रिटिसाइज भी कर दिता कि यह डिसीजन लैण के पिछे पिछे कोई राजनीतिक ताकतों का हाथ आ जे कल नूं सिख धर्म बारे संबंधी असी फैसले लेने ने तो असी करनैल सिंह पीर मुहम्मद वाल देखांगे जां अकाल तख्त के जथेवार वाल देखना जथेदार पेगा पर दविंदर जी इतने ये भी देखना पेगा कि उस जथेदार फैसले आ कितों रहे ने उदे पिछे कि व्यक्ति का हाथ आड़े मनसूबे आ जेडे कि फैसले लैने मजबूर कर रहे हैं ये नहीं भूलना चाहिए कि जो तुम भी खुद मन चुके हो कि पहला दो बार लैटर आ जा कुछ नहीं होस वारी अपनी 2017 जिस तरह पंजाब इस वे आप कह रही है एक सियासी माहौल बनता जा रहा तो बचण के लिए सिर्फ तो सिर्फ उस तो बचण के लिए अपन वोटा पक्या करने के लिए यह सारा हुक्मनामा जारी होया बाकी हुक्मनामे जारी किदा होंगे ने अजकल तो कि नहीं होंगे दविंदर जी मैनू बहुत दसन की लड़ नहीं क्योंकि मैं एक हरमिंदर सिंह बंगलौर होना की उन्होंने विद प्रूफ यह साबित करता कि जथेदार साहब जोड़े ने आ चीज़ मंगते हैं तो उस तो बिना यह हुक्मनामे कोई जारी नहीं होंगे अगर कोई पोलीटल बेस से हुक्मनामा जारी हों सिर्फ तो सिर्फ जो पिछों लिखे वाला हुक्मनामा जी पिछले हुक्मनामा भी जारी हुए थ और हैड अकाल तख्त साहब के हैडपैड से नहीं हुए थे एक सादे पेपर से हुए थे और लोगों ने भी पूछा कि कारण बन गए जथेदार जी ऐतकी हुक्मनामा अकाल तख्त साहब के है लैट हैड से क्यों नहीं जारी होया तो जथेदार जी ने जवाब नहीं आया क्योंकि वह हुक्मनामा जथेदार जी ने अपना नहीं और कितने पिछों टाइप हो गया है रणजीत सिंह जी इतने एक चीज़ मैं तुम्हें पूछना चाहूँगा जो हमने कमेंट किया सरेआम कह रहे हो कि अकाल तख्त के हुक्मनामे कि जारी होंगे ये सारे पता वा जे तुसी अपने वर्ड्स देखो तुसी भी बहुत वड्डा वड्डा दोष ला रहे हो थोनू भी सिट्ठी चो कढ़िया जा सकता तुसी अकाल तख्त ते बिना किसी सबूतों ते दोष ला रहे हो दविंदर जी जे मैं अपने अगर मैं टाइम मिले मुड़ के जी तो मैं डेफिनेटली उन्होंने दोबारा गलबात कराँगा जो पूरे के पूरे प्रूफ आ कि कि कारण करके जो बंद ने दोष लाए हैं इतने मैं इतने कह रहे हो बंदे ने पंजाब न्यूज़ पेपर के अपने सबूत दे के टेप रिकॉर्डिंग दे के रिकॉर्डिंग कढ़ के दोष लाए ने कि श्री अकाल तख्त साहब जथेदार जी आह चीज़ की मेरे तो मंग कर रहे थे उदो मैं माफ़ किया गया बिना किसी कंप्लेट तो मैं पंथ खारिज किया गया इन्ने लख की मेरे तो मंग हुई आ दविंदर जी वह बंदा अज भी आने अपने चैनल से विद प्रूफ तैयार आ कि मैं तुम्हें रिकॉर्ड भी भेज दिना मैं सारा कुछ कर दिना सुनो हरप्रीत जी हुण तुसीं एज ए गैसट शामिल होवोंगे प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन राइट रणजीत सिंह ने जिन्हें भी हुण तक गल्लां कीतियां ने तुसीं उन्हां नाल सहमत हो पहला हाँ जां ना उदों बाद क्वेश्चन पुछूंगा नहीं बिल्कुल नहीं सहमत हो गए एक कोई अन जिन्हां नूं जिन्हां दी एग्जाम्पल देने रणजीत सिंह जी मैं नहीं उन्हां नूं जानदा मैं उह नां नहीं सुनिया पर वह दस रहे ने कि सबूत पेश किए गए ने कि जे वह सबूत होंदे भी आ तो अकाल तख्त साहब की साइड ले तो बिना असी अकाल तख्त के जथेदार नूं दोषी मन सकते हैं एक्चुअली मैं यही गल तो कमेंट कर लगा दविंदर जी हम तुम मैंने क्वेश्चन पूछा हूँ जे मैं तुम्हें तो जाके एक गल कह कि दविंदर जी फलाना बंदा करप्ट आ मैं जाके टीवी पर बोलता वा इनू तुम सबूत मनोगे दिस इज ए सबूत नहीं है दविंदर जी हो सकता मेरी कोई परसनल रंजिश होवे मेरी कोई परसनल लड़ाई होवे या फिर मेरे कोई कुछ भी इशू होवे बट तुसी सिर्फ मेरे कमेंट ते या मेरी गवाही ते कि इनू क्लीन चिट या कि इनू बदनाम नहीं कर सकते या कि इनू गलत नहीं कह सकते देखो रणजीत सिंह और परमिंदर सिंह नू ये जरूर सोचना चाहिए कि अकाल ने परमिंदर सिंह ने हजे कुछ नहीं किया ओके लेट मी आस्क परमिंदर सिंह कि तुसी रणजीत सिंह ना जा हरप्रीत ना एग्री करते हो कि वन साइडेड स्टोरी सुन के चाहे दोष हो चाहे सबूत हो अकाल तख्त शक की नज़र ना देखा जा सकता दविंदर जी इत्थे अकाल तख्त साहब नू असी शक की निगाह नहीं देख सकते हाँ जी जेडे उत्थे अहुदेदार बने हुए ने उन्हां दे उत्ते उंगली जरूर उठती रही आ
पिछले कुछ समय के दौरान बहुत सारे सवाल जिहड़े आ इह उन्हां दे उत्ते कीते गए आ कि पूरे सोशल मीडिया के उत्ते कई गल्लां उभर के सामने आईयां सी पर जथेदार साहब ने उन्हां तों जथेदार साहब ने उह गल्लां तों अणजाणता जिहड़ी हैगी आ उह जाहिर कीती कि मैनूं तां पता ही नहीं कुछ सो और ईवन जदों बिक्रम मजीठिया का केस भी होया सी उस टाइम के उत्ते पूरे पंजाब दे विच इस चीज़ नूं लैके रौला सी पर जथेदार साहब ने कमेंट किया सीगा कि मैनूं उहदे बारे कोई जानकारी नहीं हैगी मैं कमेंट करना क्योंकि सोशल मीडिया का नाम ले गया थोड़े दिन पहला दिल्ली का केस सी जिथे जसलीन कुड़ी ने एक सिख मुंडे उत्ते इल्जाम लाया सी उदों रणजीत सिंह एंड परमिंदर सिंह दोवें आंदे सी इह कुड़ी ठीक है सोशल मीडिया 'ते रिपोर्ट आ गई आ आई मीन एक साइड की स्टोरी सुन के सोशल मीडिया के कुछ पिक्चर्स वेख के या वीडियो वेख के तुसी के नू गलत नहीं कह सकते परमिंदर सिंह जी नाले जी हाँ जी हरप्रीत जी जी तुम गल कर रहे हो ना भाई सोशल मीडिया से जेडे बंद अभी गल भी की है हरमिंदर सिंह बंगलौर अगर नंबर भी चाहिए मैं वह भी प्रोवाइड कर देना देखो एक इंडिविजुअल की गवाही है रणजीत सिंह जी चेक का की अमाउंट सी सिर्फ अमाउंट 45,000 1,00,000 रुपये की सेवा करनी है 50,000 रुपये मेरे को कैश मैं देते 5,000 रुपया मैं अपने बैंक अकाउंट चो कढ़ा के जिहड़े जथेदार साहब के पीए ने उन्होंने दिता उस तो बाद मैं दो बंद अकाउंट भेजे गए मैं ये कहा पीए साहब न कि पीए जी जिहड़ा ये अकाउंट आ तुसी अपना जां जथेदार साहब का देवो मैं किसी तीजे बंदे दे अकाउंट च पैसे जमा नहीं कराने काफ़ी लंबी बहस तो बाद उन्होंने अकाल तख्त साहब जथेदार साहब ने पीए ने उन्होंने अपना अकाउंट भेजा वो 45,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है वो कहते आह मेरे को चैक पे आ सारे सबूत पे अगर नाल रिकॉर्डिंग भी पई हैगी कि जो माफ़ीनामा होया सी नाल रिकॉर्डिंग पई है जिहड़ियां साडियां कन्वर्सेशन हुई उन्होंने गल्लां की रिकॉर्डिंग हैगी चीज़ से मैं गल कर रहा मैं यही कह रहा कि मैं उत्थे गया सी मैं नहीं उस तो बिना जो उस बंदे हुण मीडिया में आके ओपनली इल्जाम लाए जथेदार साहब से हाले तक जथेदार साहब वालों और उन्होंने पीए वालों किसी तरह की कट नहीं की गई कि हाँ भाई असी आह चीज़ जी नहीं की ओके हुण रणजीत सिंह जी मैं थोड़ी इट साइड की स्टोरी सुन चुके हाँ सिर्फ 40,000 के उस रौले की तुम गल करते हो कि वह बंदा दोष ला रहा अकाल तख्त साहब के जथेदार से कि 1,00,000,000 रुपये दी कारां ने जथेदार के बच्चों को 300 करोड़ की जायदाद 1 करोड़ रुपए की कार कुछ साल पहला यही जथेदार साहब कुछ 1,000 रुपये महीने की नौकरी करते होंगे सन तो एड्डी वड्डी जायदाद किवें इकट्ठी हो गई जे अकाल तख्त साहब के जथेदार की तो उन्होंने परसनल रंजिश आ कि सिख कौम को एक वन साइड लैके स्टोरी सुननी चाहिए आ जा अकाल तख्त साहब के जथेदार को जाके उन्हां तो भी सफाई मंडनी चाहिए आ बिफोर एडे वे शंके जाहिर किए जा सर्व उच्च अदालत के उस फैसले लैन वाले जथेदार साहब से किंतु परंतु शुरू हो जाए परमिंदर सिंह जी दविंदर जी तुहाडी गल बिल्कुल सही आ उन्हां तों भी जिहड़ा स्पष्टीकरण मंगना चाहीदा आ पर शायद उन्हां तों स्पष्टीकरण मंगण दी किसी कोल कोई हिम्मत करे या ना करे या उन्हां नूं स्पष्टीकरण मंगण दी कोई तो जवाब मिलण दी उम्मीद हैगी या नहीं हैगी क्योंकि बहुत सारीयां गल्लां जिहड़ियां जाके गल्लां कर सकदे आ असीं स्पष्टीकरण क्यों नहीं मंग सकदे ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਿਸੇ ਦੱਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦਾ 300 ਸਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बादल साहब वालों कि उतार के दूसरे जथेदार थाप दिए गए
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ 8.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਡੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਉੱਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਭੇਜਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਵਾ ਸੱਟ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਹ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
हाई कोर्ट ने उन्होंने अधिकार वापस दे दिता उन्होंने बाय जी रिलैक्शन कराने की गल की जी थोड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण हुई है वह भी वाजिब नहीं है जी जिन्ना चर सहजधारी सिखा इनवॉल्व नहीं किया पिछले कुछ सालों तो यह मसला जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज किया हो जो तुम सरबत के भले सरबत खालसा बुलाने की गल करते हो साल तक कितने से जो सहजधारी सिखा वोट पाने का अधिकार तक नहीं दिता गया वह मसले तो थोड़े सुप्रीम कोर्ट के हल होंगे ने तो तुम चाहते हो कि एडे छोटे छोटे मसले जाके अकाल तख्त साहब से हल हो यह छोटा मसला नहीं है ना ही वो छोटा मसला दविंदर जी जे वो मसले है ना जो अगर तुम ध्यान ना देखो अगर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार थोड़े जे इस बारे गंभीर ने कि ज श्रोमणी कमेटी के प्रधान जे इस वेले ने अवतार सिंह जी मक्कड़ वो गंभीर ने अगर तुम पिछली जी श्रोमणी कमेटी की चोण हुई है वो लिस्टा कढ़ लो जी स्पैशली जे अपने बादल साहब के इलाके लिस्टा ने कमल खान सिंह राज राणी कौर बंदिया ने दाढ़ी कट्टी हुई ने वीडियो लोगों ने पाती इंडिया सारे जानते हैं कि करप्शन हैगी जिथे भी इलेक्शन होंगी असं सारे जानते हैं माड़ी मोटी करप्शन होंगी है पर तुसी ये फेक वोटां दे जिहड़े एग्जाम्पल देके प्रूव की करना चाहते हो कि सहजधारियों नूं बाहर कढ़ दो प्रूव कर रहा जी कि दविंदर जी मैं बाहर कढ़न की गल नहीं कर रहा हुण मैं तुहाडी गल तुहाडे नाल रहा जिहड़ी श्रोमणी कमेटी का प्रधान अज अवतार सिंह मक्कड़िया और जिहदे द्वारा साडे अकाल तख्त साहिब जथेदार रहा उहदे बहुत सारे मैंबर उन्हां ही लोगों दीआं वोटां लै के इस श्रोमणी कमेटी के मैंबर बने ने जिहड़े अज सहजधारियों का विरोध कर रहे हैं मैं एक गल तुहानूं दस्सण दी ट्राई कर रहा कि वह लोगों दीआं वोटां लै जे वह लोगों दीआं वोटां लै के गलत वोटां पवा के अज श्रोमणी कमेटी के मैंबर बन के श्रोमणी कमेटी के फैसले लागू करन दे विच सिख कौम दे उत्ते लगे हुए ने अज उही लोग यह विरोध कर रहे हैं कि जी सहजधारियों नूं वोट दा हक नहीं होना चाहिए पहली गल तां तक डेफिनेशन नहीं समझ लगी कि सहजधारी उह मंनदे किहनूं पर रणजीत सिंह जी इत्थे इक चीज़ दविंदर जी एक चीज़ होर मैं जानना चाहूँगा जे असीं अकाल तख्त दे हुकम नहीं मनीए तो फिर एग्जैक्टली असीं सर्वउच्च अदालत सर्वउच्च अदालत ने फैसला ले लिया परमिंदर सिंह जी ते रणजीत सिंह जी तुसी दोनों ही किंतु परंतु कर रहे हो इज इट कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट जे तुसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं चैलेंज करते हो तो असं कहने हूँ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट जे जज के फैसले को शरेआम ही कह रहे हो तो यू कैन अपील इट बट यू कैन नॉट से इट जज ने फैसला गलत लिया इट्स अ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कंटेंप्ट ऑफ जथेदार एक गल मैं नहीं दविंदर जी हले दो दिन ठहरो या एक दिन अज उत्थे रात पई है ठहरो सवेर तक देखियो कि जिहड़ियां सिख कौम दीआं जथेबंदियां ने जिहड़ियां कि उत्थे पंजाब दे विच ही ने उहनां विचों किन्ने होर लोक उठ के इस फैसले दे खिलाफ बोलदे आ कि साडे जथेदार साहब उहनां नूं मैं तुहाडी अस्सल करना वी चलो इत्थे इक होर इशू उठदा है जे तुसी इन्ने जने उठ के एक रेवोल्यूशन चला सकदे जो तुसी तुहानूं इन्ना तुसी आंदे जो अकाल तख्त करप्ट आ असीं अकाल तख्त नूं की कहिंदे इक मुहिम क्यों नहीं चला सकदे जे तुसी सारा इन्ने दोष अकाल तख्त साहब ते लाउंदे जो असीं कुछ चंगा क्यों नहीं कर सकदे जिहदे नाल सिस्टम इंप्रूव होवे हरप्रीत जी एक मिनट हरप्रीत मैं एक तुम्हें इतने गल दसनी चाहना कि हमेशा चीज वो होंगी जी पुरानी चीज होंगी ना वो नवी चीज लागू कर दविंदर जी ने भी कहा कि अकाल तख्त साहब जथेदार जिहड़े ने इंपलॉय बाय श्रोमणी कमेटी हुण मैं दविंदर जी से तुहानूं सवाल पूछना चाहना कि श्री अकाल तख्त साहब की सिडना पहला हुई सी श्रोमणी कमेटी का प्रधान पहला बनिया सी जां श्रोमणी कमेटी पहला बनी सी इस गल दा मेनू जवाब दो कि अकाल तख्त साहब उपर चाहिदा जां श्रोमणी कमेटी उपर चाहिदी जदों सुप्रीम कोर्ट दा जज डिसीजन लैंदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ ਔਰ ਨਾਟ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ 1980 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਊਡ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਥੱਲੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਆਈ ਆਈ ਯੂ ਅ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਦਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੀਡੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਡੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ MSG 2 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ
कि इन्ने सालों तो पै मसले नूं जे तुसी हल कर दिंदे हो, क्योंकि कंडीशन ये भी लगी है जे तुसी न्यूज़ पढ़ते हो कि डेरे दे चेले वाले ने कहा कि हुण असीं आपदा अंदोलन वापस लै लांगे। वह एम एस जी नूं टू प्रोड्यूस करन दी पंजाब दे विच जिहड़ी प्रदर्शन करन दी हुण गल नहीं कर रहा, उन्हां नूं लग रिहा कि साडे बाबे नूं उन्हां ने माफ़ करता, इसलिए वी आर ओके। हो सकदा शांति व्यवस्था बनाई रखने लई पंजाब सरकार की यह रिक्वेस्ट अकाल तख्त साहब ने डिसीजन चाहे एक तरफा ही होवे लिया हैगा। दूजी गल यह भी हो सकती है कि अकाली दल बादल कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी दे सारे लीडर ने, भाजपा के लीडर ने उही बाबे दे डेरे दे विच जाके सिर अपने हाथ लवाने ने। सो इसलिए स्थिति बनाई जा रही है कि 2017 दीआं चोणां नूं मद्दे रखते हुए अकाली दल बादल नूं यह गल लगती होवे कि जदों असीं डेरे विच जावांगे सानूं यह कहण दी लोड़ नहीं होगी कि सिख धर्म के जथेदार ने ही इन्हां नूं दोषी पाया होया, इन्हां नूं तनकाइया करार दिता होया, तो तुसी इन्हां नाल जाके किवें संपर्क पैदा करदे हो। दिस इज़ ए पोलीटिकल एंगल। दूजी पासे हैगी शांति व्यवस्था। हुण तिन्ने जाने प्लीज़ थोड़ा जिहा शांति नाल सुझाव दे के दस्यो कि राजनीति तां कितों ना कितों दिखदी आ, अर्थव्यवस्था भी दिखदी आ कि पंजाब दा जानी माली नुकसान भी हो रहा, की वजह सी कि अकाल तख्त साहब के जथेदार ने एक सी डी, हालांकि उन्होंने तो मंडी नहीं रही थी, उन्होंने सी डी भेजी, सी डी के पिछों पंजे तख्तों के जथेदारों बिठाया गया, कोई मामूली गलत नहीं लगती। राजनीतिक इंटरप्रिटेशन, राजनीतिक इनवॉल्वमेंट, आई एग्री 150% आई एग्री कि राजनीतिक इनवॉल्वमेंट आ, जां पंजाब की शांति व्यवस्था को कायम रखने लिए की गई आ, जां राजनीतिक वोटा मनण का मनोरथ हो सकता। शुरुआत करते हैं हरप्रीत जी तो। हरप्रीत जी, ये वोटा मनण का मनोरथ आ जां शांति व्यवस्था को मेनटेन करने के लिए? आई थिंक दविंदर जी इस गल तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि पोलीटिकली मोटीवेटेड डिसीजन आ। थोड़ा जो तुम कह दे शांति को भी ध्यान से रख के हर चीज़ को बैलेंस करने वास्ते ये डिसीजन लिया गया वा, पर 100% पोलीटिकली मोटीवेटेड आ। पर दविंदर जी एक चीज़ मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, जे कोई अकाल तख्त वालों कोई डिसीजन आता वा, असी हमेशा ही अपने सानू अपने ही जिहड़े साडे अपने नूं उन्हां नूं बुरा ना कहीए। जे सानू लगदा साडे सिस्टम कोई करैक्शन होने वाली है, सानू उहनूं फिक्स करन वास्ते काम करन दी लोड़ आ। ते नाले असी जे इदां ही मुद्दियां नूं जे गुरमीत राम रहीम सिंह नूं बेसिकली हीरो ते असी बना रहे हां, जे असी उहनूं इन्ना हवा ही ना देईए ते आई डोंट थिंक कि उह इन्नी वड्डी कॉन्ट्रोवर्सी बननी वी सी। कितें ना कितें असी उहनूं ज़्यादा पॉपुलरिटी देती है मेरे ख्याल। राजनीतिक माहौल आ जी, जां शांति व्यवस्था नूं मेनटेन करन दे लई अकाल तख्त साहब के जथेदार ने आ डिसीजन लिया। रणजीत सिंह जी, दविंदर जी, अगर मैं अपने हिसाब से देखा तो जी मैनू ये सिर्फ तो सिर्फ एक यद एक आई है ना, यहाँ शांति ना कोई लैन देने तुम्हें भी इतने आ महीना ठहरो, पर जो इस वेल जो डिसीजन लिया गया वो सिर्फ तो सिर्फ एक वोटा की राजनीति आ, इस तो उपर कुछ नहीं है जी। परमिंदर सिंह जी, दविंदर जी ऑप्शन जी तुम दिती आ, सब तो पहला तो पोलीटिकल मोटिव के उत्ते मैं गल करनी चाहूँगा कि जिस तरह पहला भी गलबात दौरान मैंशन किया गया कि अकाल तख्त साहब के उत्ते पोलीटिकल कोई भी इन्फ्लुएंस जरा नहीं होना चाहिए। सो इत असी डायरैक्टली इन्फ्लुएंस जे असी हरप्रीत जी की गल मनीए तो यह इन्फ्लुएंस हैगा आ जो नहीं होना चाहिए सगा। सो पोलीटिकली असी हाँ अगर रिक्वेस्ट जाती जे मुख्यमंत्री पंजाब वह रिक्वेस्ट करते कि हाँ जी तुसी इस केस का जो निपटारा है वह कर दौ तो कि पंजाब का माहौल जोड़ा है वह सही रहे, तो वो एक दूसरा पहलू होना सगा। पर इतने ना कोई रिक्वेस्ट की गई, एक सैलेंट रिक्वेस्ट, मैं वह मतलब नहीं समझता कि सैलेंट रिक्वेस्ट कि होंगी है। खैर बाकी दूसरा जो पॉइंट हैगा वह एक वोटों की राजनीति जी रणजीत जी ने गल की है वह भी जरा मैं बिल्कुल क्लीयर लगता पाया कि यह आने वाली चोणों के लिए एक होर जो वोट बैंक बनाया जा रहा, इस तो अलावा होर कुछ नहीं है। जे गल वोटों की की जाए तो एक क्वेश्चन होर पूछना चाहूँगा कि वोटों के बच्चे असं सारे जानते हैं कि उतों के कांग्रेस कांग्रेसी विधायक होंगे सीगे तलवंडी तो बाबा गुरमीत राम रहीम के साधु ने चोन इलैक्शन तलवंडी हरमिंदर तलवंडी साबो तो इलैक्शन हार चुके ने, बाबे का कितने ना कितने कांग्रेस नाल सीधा लिंक आ। दूजे पासे बादल साहब ने अपने अकाली दल बादल दे लई बाबे नूं शायद हो सकता जे राजनीतिक थोड़ी तालमेल जथेदार साहब ना बनाया होवे तां इट गिफ्ट दिता जिहड़ा तनकाइया करार दिता गया सी उस तों मुक्त करा दिता। तीजे पासे बाबा जी ने जिहड़े बाबा राम रहीम ने इन्हां ने आम आदमी पार्टी की खुली सपोर्ट की सी, उस तो बाद जो हरियाणे की इलैक्शन हुई तो कैलाश विजयवर्गीय वर्गे हालांकि एम एल ए मिनिस्टर तो मध्य प्रदेश के ने बाबे के डेरे के दे देखे गए। हुण मैं तुहानूं तिन्नां क्वेश्चन पूछना चाहुंदा, इस स्टैप लैण के बाद कि पार्टी सब तो वध फायदा होगा? हरप्रीत जी,
ਅਫਕੋਰਸ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਸੋ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ डेफिनेटली जी मैं हरप्रीत जी ने इतने सहमत हाँ कि अगर फायदा होंगे तो अकाली दल होगा क्योंकि बाबे का जिहड़ा सब तो वध प्रभाव है दविंदर जी वो मालवे खेत्र देखा जाता स्पैशली बठिंडा जिहड़ियां सीटां उस साइड से उत्थे अकाली दल नूं इस चीज़ का काफ़ी फायदा हो सकता है। परमिंदर सिंह जी बिफोर आई आस्क यू सेम क्वेश्चन कि फायदा होने के नाल नाल नुकसान भी अकाली दल बादल नूं ही हो सकता बिल्कुल डेफिनेटली ये कोई दो शक नहीं है मेरे हिसाब के नाल हाँ एक गल होर भी हैगी है इत्थे बीजेपी भी फायदा चक्कण की पूरी पूरी कोशिश कर सकती है। ओके हरप्रीत जी नुकसान कांग्रेस नू आम आदमी पार्टी नू जां भाजपा नू किस नू होगा देखो जे फायदा होंदा वा तो वह होगा दविंदर जी अकाली दल नू ते नुकसान तिन्हां नू होगा जिना जिहड़ी बाबे दे फॉलोअर ने जिहदियां जिन्हां नू वोटां पाउण नू आखणगे जिदा पिछली बार बीजेपी नू समर्थन देण नू कहा सी ते जिहड़ी पार्टी नू उन्हां ने देना सी ओह उधर नहीं जाऊगियां वोटां ते अकाली दल वल आउणगियां। जे मैं तुहाडे तिन्हां दी गल नाल सहमत नहीं हैगा एक्चुअली तिन्हां दी गल नाल सहमत नहीं हैगा आई वांट टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच। ओके तुसीं एग्जांपल दित्ती सी दिल्ली दी बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिती सी बाबे ने बड़ा बड़ा नारा मारिया सी कि भाजपा की सपोर्ट करूंगा 14 लाख सपोर्टर ने मेरे उत्थे वोटां पावांगे इन्नियां सारियां टोटल वोटां नहीं मिलियां होणगियां उन्हां नूं भाजपा वालियां नूं। दूजे पासे पंजाब दे लोक भी इन्ने मूर्ख नहीं हैगे जिवें मैं तुहानूं इशारा जरूर कीता सी कि रिश्तेदार हुणे उसे एरिए दे विच्चों तलवंडी साबो की इलैक्शन हार चुके ने साबका MLA ने वो जिहड़े उत्थों दे हरमिंदर जस्सी की गल कर रहा मैं पर जे गलबात करनी चाहवां कि अकाली दल बादल नूं क्यों नहीं फायदा होगा क्योंकि अकाली दल बादल अपने आप में सिखां दी इक पंथक सरकार कहती है सिखां नू इक पंथक सरकार कहती है जदों वह बाबे दे डेरे ते जाण हो सकदा इन्हां दा कंपीटीशन दूजियां पार्टियां दे नाल होवे पर इस वारी सिखां नू बेवकूफ बनाउण दे लई तुहानू डेरियां ते जाण दी लोड़ नहीं तुहानू करप्शन वर्गे मद्दियां दी गल करनी पऊगी ड्रग दी प्रॉब्लम दी गल करनी पऊगी। आई डोंट थिंक पीपल ऑफ पंजाब कोई इन्नी अटेंशन पे करनगे कि तुसीं अकाल तख्त साहब दे जथेदार नू जे अकाली दल बादल वालों प्रभाव पाया गया तो उसका प्रभाव पंजाब दीआं वोटां ते भी पऊगा उम्मीद तो यही रख सकदा। इसलिए जिहड़ा स्टैप ये लिया गया होगा आई थिंक इट विल बैकलैश पंजाब गौरमेंट नूं जे किते ना किते ये सबूत आ चुकिया कि जिहड़ी मैं साइलेंट अप्रोच की गल की आ पंजाब सरकार की कि तनकाइए भी साढ़े टैण ते करार दिते जांदे ने ते दोष मुक्त भी साढ़े टैण ते करार दिते जांदे ने तो पंजाब दे लोकी जिहड़ी भी राजनीतिक पार्टी की यह चाल होगी कदे भी माफ नहीं करेंगे। अखीर दे विच यह कहना चाहूँगा कि इहो जिहे जदों साडे डिबेट दे विच इशू आउंदे ने आम सहमति नहीं हो सकती। रणजीत सिंह जी ने काफ़ी गुड डिफेंस की कि जिहड़े अकाल तख्त साहब के जथेदार ने उन्हां दा यह फैसला किते ना किते शंके जरूर प्रतीत करता कि इन्हां दे विच कुछ ना कुछ राजनीतिक तत्तां दा हाथ आ। सेम अप्रोच परमिंदर सिंह जी की सी हरप्रीत सिंह ने भी अप्रोच ली पर वो अप्रोच थोड़ी जी डिफरेंट सी उन्हां नूं सी जो अकाल तख्त साहब तो फैसला आया उसनों मन लेना चाहिए जे शांति व्यवस्था मेनटेन होंगी आ। गुरमीत राम रहीम ने गलती की सी जे उसनों सज़ा मुक्त करार दिता अकाल तख्त साहब जथेदार जी दे फुल अथॉरिटी हैगी आ वो जे सज़ा तनकाइया करार दे सकते हैं तो दोष मुक्त भी करार दे सकते हैं पर जिहड़ी कोई प्रोसैस अपनाया गया शायद उहदे ते किते ना किते किंतु परंतु जरूर लगते हैं। अखीर दे विच उम्मीद करते हैं कि साडा अज दा प्रोग्राम साडी इह कोशिश तुहानू काफ़ी पसंद आई होगी। जाण तो पहला रणजीत सिंह जी परमिंदर सिंह जी हरप्रीत जी ते सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।